बस्टर एक्सकैलिबर। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस फिर से हम लेके आ चुके हैं एक और नया अनबॉक्सिंग बहुत दिनों के बाद। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कौन सा बेबलेट आपने थंबनेल में ऑब्वियसली देख ही लिया होगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे, एंड अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड बेबलेट कम्युनिटी को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट दिस अनबॉक्सिंग। सो ये हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से 300 रुपये में, एक सस्ता वाला बेबलेट एंड छोटे से पैकेजिंग में आता है। एंड ये है बस्टर एक्सकैलिबर टर्बो सीरीज का। सो अभी खोलते हैं इसे, इसके सारे पार्ट्स निकालते हैं रैपर से। सो एकदम चमकदार बेबलेट, घटिया स्टिकर शीट, आप देख सकते हो स्टिकर शीट कैसे, मतलब किस तरीके से इन्होंने दिया है, मैं इसे चिपका नहीं पाऊंगा, सॉरी गाइस। सो स्टिकर शीट को रखते हैं साइड में, एंड इसके एक एक पार्ट्स मैं अलाइन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ इसके पार्ट्स। सो सबसे पहला आता है गाइस इसका लेयर, जो कि आप देख सकते हो काफी बढ़िया है, रेड कलर का, ऐसा ही रेड कलर का एक बटन दिख रहा हो उसको दबा दो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। एंड इसका एक गिमिक है, जो इसका जो स्वॉर्ड है ये ऊपर नीचे हो सकता है कुछ इस तरीके से। पहले आपको इसका जो ये वाला बटन है इसको दबाना पड़ेगा, तभी अनलॉक हो जाएगा। अभी इसको आप ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हो, सो इस वजह से इसका अटैक पावर बढ़ जाएगा। एंड इसको लॉक करने के लिए पीछे से ये वाले बटन को आप थोड़ा जोर से प्रेस कर दो, बस ये लॉक हो गया। अभी ये बस्टर मोड में है, काफ़ी खतरनाक वाला मोड है इसका। एंड उसके बाद मिलता है इसका जो एक हमें डिस्क, जो कि है 1-, उतना कोई खास मुझे नहीं लगा फेक वाले का, ओरिजिनल का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, हल्का फुल्का एकदम। एंड इसके साथ हमें जो ड्राइवर मिलना था वो भी गलत मिल गया हमें, हमें मिलना था स्वॉट ड्राइवर, लेकिन ये कुछ और ही ड्राइवर मिल गया हमें। सो फेक वाले के साथ हमेशा ऐसा ही पंगा रहता है। सो कोई नहीं गाइस, अभी इसको असेंबल करता हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये है गाइस अपना बस्टर एक्सकैलिबर, देख सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत है। एंड इसका जो लेयर है काफी ज्यादा चौड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है इसका लेयर। एंड स्वॉर्ड देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल है एंड काफी बढ़िया है बेबलेट। अभी इसको एक छोटा सा हम टेस्ट स्पिन करेंगे इसके साथ एंड देखेंगे कैसा रहता है टेस्ट स्पिन में। 3-2-1 लेट इट रिप। सो आप देख सकते हो ठीक ठाक अटैक पावर है इसमें एंड अच्छा है, बस इसका वेट कम है थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो डिस्क है हल्का है। इसके साथ हमें इसका फ्रेम नहीं मिला है, जो कि डैगर फ्रेम या फिर कुछ नाम था उसका, कोई नहीं। सो अभी एक दो बैटल करते हैं इसके साथ एंड देखते हैं बैटल में कैसा परफॉर्म करता है ये वाला बेब्लेड। सबसे पहले जी अखिलेश, 3-2-1 लेट इट रिप एंड 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं क्या कर पाता है बस्टर एक्सकैलिबर जी अखिलेश के सामने। एंड काफी अच्छे अटैक्स एंड ये जी अखिलेश को धराशायी कर दिया है हमारे बस्टर एक्सकैलिबर ने। एक और राउंड कर लेते हैं हम एक्सकैलिबर के साथ। सो करते हैं पहले लॉन्च जी अखिलेश को। अरे भाई क्या पंगा है तेरे साथ, लॉन्च क्यों नहीं हुआ। 3-2-1 लेट इट रिप एंड अभी लॉन्च करेंगे एक्सकैलिबर को एंड देखते हैं क्या इस बार जी अखिलेश हरा देगा एक्सकैलिबर को या फिर एक्सकैलिबर अपना फिर से कमाल का अटैक्स दिखाएगा हमें, देखते हैं क्या होता है। एंड काफी अच्छा अटैक्स एंड फिर से हार चुका है हमारा जी अखिलेश। सो करते हैं एक और बैटल। 3-2-1 लेट इट रिप 3-2-1 लेट इट रिप एंड देखते हैं क्या बर्स्ट कर पाएगा चोजी वेलकरी को या फिर नहीं। एंड चोजी वेलकरी अपना स्टेमिना लूज करता हुआ एंड इसके साथ जीत गया हमारा बस्टर एक्सकैलिबर को। 3-2-1 लेट इट रिप 3-2-1 लेट इट रिप एंड इस बार काफी अच्छे अटैक एंड इस बार बर्स्ट हो गया है अपना चोजी वेलक्री। 3-2-1 लेट इट रिप एंड अभी जल्दी से करते हैं लॉन्च इसको। 3-2-1 लेट इट रिप यार मुझे तो नहीं लगता कि ये चोजी स्प्रिगन को हरा पाएगा, लेकिन देखो हरा पाएगा, लेकिन देखो यार मतलब बात करते करते नॉकआउट कर दिया। मैं अभी कह रहा था कि इस नहीं हरा पाएगा चोजी स्प्रिगन को या फिर टर्बो स्प्रिगन को, लेकिन नहीं गाइस दम है एक्सकैलिबर में एंड पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। सो कोई नहीं, कवर करते हैं। 3-2-1 लेट इट रिप 3-2-1 लेट इट रिप
एंड इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार भी काफी अच्छे अटैक्स, लेकिन स्टैमिना ज्यादा है। स्प्रिगन का अगर नॉकआउट नहीं हुआ तो हार जाएगा एक्सकैलिबर या फिर एक्सकैलियस, जो भी बोलते हो। सो देख सकते हो काफी बढ़िया वेवलेट है। थ्री टू वन लेट इट रिप। एंड पहले ही राउंड में फिर से नॉकआउट देखने को मिल गया हमें बस्टर एक्सकैलिबर के द्वारा। सेज एक्सकैलिबर को बाहर फेंक दिया। सो एक और राउंड कर लेते हैं जल्दी से एंड वीडियो को एंड करेंगे इसी के साथ। थ्री टू वन लेट इट रिप। एंड काफी अच्छा अटैक। एंड देखते हैं क्या इस बार कुछ कर पाएगा सेज अकिलिस या फिर से बाजी मार लेगा अपना बस्टर एक्सकैलिबर। एंड इस बार बर्स्ट कर दिया है बस्टर एक्सकैलिबर को गाइस। खतरनाक वाला बर्स्ट देखने को मिला हमें। इसी के साथ सेज एक्सकैलिबर ने दिखा दिया वो भी कम नहीं है। एंड ये भी बर्स्ट होने ही वाला था वैसे भी। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। मिलेंगे ऐसे ही अगले नए और ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लीडिंग।